नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पटली इंडिया पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी वैकेंसी के बारे में। तो आपको पता होगा, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने 3,835 पदों पर मंजूरी दे दी है कि पटवारी वैकेंसी आएगी। तो अभी के लिए आप किस हिसाब से तैयारी करें, उसके लिए मैंने आपके लिए पिछली बार जो वैकेंसी हुई 2015 में, उस भर्ती की पूरी जानकारी लेके आया हूँ। मतलब उसमें आपको मैं बताऊँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने से लेके जो उसका मेंस का रिजल्ट आया था, तब तक के सारे स्टेप्स की क्या क्या हुआ था, और इस बार जो है क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके लिए, और इस बार क्या क्या अलग रहेगा। मतलब एलिजिबिलिटी चेंज होगी या इस बार प्री होगा या मेंस होगा या नहीं होगा, केवल एक ही पेपर होगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, सभी जानकारी तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। अगर दोस्तों आप वीडियो देखने की इच्छुक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दिया हुआ है वो इसी वेबसाइट का दिया हुआ है। यहाँ पर सभी जानकारी दी हुई है, आप खुद से डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक ही नोटिफिकेशन, सिलेबस, पेपर, रिजल्ट, सब कुछ चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो ये है विस्तृत विज्ञापन पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2015 का। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मेनली कंपेरिजन करेंगे कि 2015 में जो हुए था वो क्या सेम 2019 में होगा या कुछ अलग होगा। तो हर एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो मेन मेन पॉइंट्स है, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं, तो देखिए पिछली बार जो था नवंबर 2015 में आई थी वैकेंसी, इस बार अभी जुलाई चल रहा है, हो सकता है अगस्त सितंबर में इसकी वैकेंसी आ जाए। तो ये तो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तभी पता चलेगा। आगे अपन बात करते हैं पदों की संख्या। तो इसमें जिलेवार पद दे रखे हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख लीजिए। वैसे कुल पद इसमें 3,979 थे और इस बार 3,835 है। लेकिन दोस्तों इस बार जो 3,835 में से नॉन टीएसपी और टीएसपी डिवाइड होगा तो लगभग 3,400-500 के हिसाब से नॉन टीएसपी में होगा, और रिमेनिंग पद आपके टीएसपी में चले जाएंगे। तो ये है टीएसपी के, इस पिछली बार टीएसपी में 421 पोस्ट थी, इस बार भी लगभग 300 से लेकर 400 के बीच में रहेंगे। अब बात करते हैं वेतनमान मतलब सैलरी की। तो पिछली बार ग्रेड पे 2,400 था, अगर इस बार की बात करें तो सातवें वेतन के हिसाब से L5 होगा इसका वेतनमान, और ग्रेड पे 2,400 ही रहेगा। आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहता हूँ, इसमें आपको 9 माह का पटवार प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद आपको पता होगा कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। एलिजिबिलिटी बात करें मतलब पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें बहुत बड़ा चेंज होगा इस बार। पिछली बार था 10+2 मतलब 12वीं पास या उसके समकक्ष, तो इस बार क्या होगा, 12वीं पास नहीं रखे, इस बार ग्रेजुएशन कर दिया गया है। मतलब अगर आप स्नातक पास होंगे तो ही आप दे सकते हैं परीक्षा पटवारी की, या फिर हो सकता है अगर आप लास्ट ईयर में हो और पेपर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाए पेपर होने तक तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, उसमें मेंशन होगा तो ही आप भर सकते हैं। और उसके साथ आपको ये कंप्यूटर डिप्लोमा जो होते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है RSCIT, या फिर आप पॉलिटेक्निक किया हुआ हो या फिर किसी भी विश्वविद्यालय सरकार से आपका डिप्लोमा हो कंप्यूटर के अंदर, कोपा या फिर DOEX से या फिर नीलिट से आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, पिछली बार 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष थी, तो इस बार चेंज होगा, 35 नहीं 18 से 40 साल वाले कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपन ने देख लिया, उसके मेन टॉपिक्स। अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो पिछली बार प्री और मेंस हुआ था, इस बार अभी कंफर्म नहीं है कि दोनों होंगे या सिर्फ एक होगा। तो पिछली बार क्या था, प्री और मेंस में सिलेबस सेम था, तो आपको तैयारी तो एक बार ही करनी है लेकिन अच्छे से करनी है। तो आप इस सिलेबस की तैयारी कर लीजिए, मैं सिलेबस नीचे बता रहा हूँ। अगर आप सिलेबस का डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अपन ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। मेनली इसमें सामान्य ज्ञान होता है, इसमें राजस्थान GK, पॉलिटी और साइंस आती है, मैथ में आपका थोड़ी सी रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, बेसिक कंप्यूटर और हिंदी आती है। टोटल आपके 300 नंबर का पेपर 3 घंटे के लिए, और एक बार मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिए अगर आपको अभी सिलेबस देखना हो तो, सभी का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। और देखिए नीचे मुख्य परीक्षा मतलब मेंस में भी सेम ही सिलेबस है, तो आपकी जो सामान्य ज्ञान है वो 12वीं लेवल का, गणित 10वीं लेवल की, कंप्यूटर में आपको बेसिक्स खुल जाता है, और हिंदी आपकी सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं लेवल की आती है, 300 नंबर, 150 क्वेश्चन और 3 घंटे का टाइम। जो प्री में था वही मेंस में है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा जाता है। आप सिलेबस देख सकते हैं, डिट्टो सेम है,
जो आपके प्री में था। अब बात करते हैं प्री के पेपर की। तो आप सभी को पता होगा जो पिछली बार पेपर का लेवल था वो बहुत ही हार्ड था, स्पेशली जीके बहुत हार्ड थी। तो ये है पटवारी 2015 प्री का पेपर, आप इसको नीचे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो जीके का पार्ट था वो बहुत ही हार्ड आया था मतलब, और उसी के साथ मैथ और कंप्यूटर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार हल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर की का वीडियो बनाऊं तो आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। इसी तरह मेंस का पेपर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नीचे आंसर की दी हुई है। तो इसी में भी जीके का लेवल जो था हाई था और बाकी मॉडरेट थे बाकी क्वेश्चंस जो ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं अपन कट ऑफ की, मतलब रिजल्ट जो आया था मेंस का उसमें फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। तो दोस्तों ये है फाइनल कट ऑफ। पहले मैं बात करें नॉन टीएसपी की, जनरल मेल में 196, फीमेल में 170, विडो 58, डाइवोर्स 120। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की, जनरल मेल में 168, फीमेल 132, एसटी में मेल में 160 और फीमेल में 137, ओबीसी में जो मेल है 193 और फीमेल 163 नंबर गई है। यह है नॉन टीएसपी। और टीएसपी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं जनरल की जो मेल है 174 और फीमेल है जो 135 गई है, बाकी कैटेगरी आप नीचे देख सकते हैं। दोस्तों तो यही जानकारी आपको देनी थी, आप लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।